Namaskar, hello and a very warm welcome to CIET NCRT's special live phone-in program. My name is Tanvi Khurana and this is a special series on school leadership and development brought to you by NCSL, that is National Center for School Leadership. You're watching us at this moment on PM eVidya channel number 6, channel number 9 and channel number 12. And today we are going to discuss the topic, which is Leading Teaching Learning for School Transformation, a case of secondary school in Punjab. And for this, we have a special guest present in our studio. Let me please introduce you to our special guest, and he is Shri Pritinder Ghai. A very warm welcome to you, sir. Ji, namaskar. Namaskar. Sir, he is Principal, Government Senior Secondary School, Channo, District Sangrur, Punjab. And we also have one more guest with us, as you can see on your screens. She is Dr. Shadma Absar. A very warm welcome to you, ma'am. Thank you, Tanvi. Thank you. Ma'am is an assistant professor from NCSL NEPA. अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो जल्दी से हमें फोन कीजिए. हमारा नंबर है आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है 8844-0559. I repeat, it's the number is 8800-440-559. और अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो आपके पास तीन ऑप्शंस हैं dth.class9@cit.nic.in and similarly class 6 and class 12. इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जो कि है NCRT Official. उसके लाइव चैट बॉक्स में भी आप अपने सवाल लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं. तो चलिए इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं. सबसे पहला सवाल मेरा शादमा मैम से है. मैम, इस पूरे प्रोग्राम में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? लाइक तन्वी, यू हैव सीन एंड वी ऑल हैव सीन, आवर ऑडियंसेस नो दैट एवरी वीक वी ब्रिंग अ प्रैक्टिशनर टू दिस फोरम एंड शेयर देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस. सो टुडे वी हैव a very young and dynamic school leader from Punjab, and he has taken lot of initiatives in his school and transformed his school into a learning organization, I would say. And I think it is his story today that we are going to reveal. Okay. And let's start with him only. Absolutely. So let's ask sir, आपका ये जो स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्या आप इसके बारे में हमारे बच्चों को कुछ बताएंगे, किस तरह का स्कूल है, कैसा कॉन्टेक्स्ट है इसका? जी, जब हम स्कूल की बात करते हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल चन्नो, ये पंजाब के एक संगरूर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव में है जिसका नाम चन्नो है. बेसिकली ये स्कूल नेशनल हाईवे नंबर 7 के ऊपर ही स्थित है. सो आसपास के तकरीबन 6-7 गाँव से बच्चे स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए. एक कोएड स्कूल है, सिंगल शिफ्ट स्कूल है. मॉर्निंग सुबह के सेशन में ये स्कूल चलता है. ज़्यादातर जो स्कूल बच्चों की जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली फार्मर्स या फैक्ट्री वर्कर्स, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है थोड़ा सा, यहाँ पे पेप्सिको नाम की कंपनी का एरिया है, तो उनके बच्चे ज़्यादा स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं. रूरल स्कूल है, बैकग्राउंड स्कूल का जैसे स्कूल रूरल में होते हैं, हम ऐसे नहीं कहेंगे दिस इज वन ऑफ द टॉपेस्ट स्कूल, बट हमारा स्कूल पंजाब में अच्छे रैंकिंग का स्कूल माना जाता है. ओके सर, जैसे आपने बताया कि इतना कुछ है आपके स्कूल के बारे में जानने के लिए, तो इसके अलावा क्या आप हमें बताएंगे कि जो स्कूल को ट्रांसफॉर्मेशन में जो चैलेंजेस आए, आप लोगों ने इतनी मेहनत की, उसमें जो बदलाव थे, कितने मुश्किल थे, कितने आसान थे? क्या आप हमारे हेड्स, स्कूल हेड्स, स्कूल लीडर्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उस वक्त, वो इंस्पायर हो सके और आपके बारे में जान सके? जी मैम, जब मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया, दैट वाज इन जून 2020. अभी वो पीरियड आपको पता है, वो कोविड का पीरियड था. कोरोना वाज ऑन अ पीक इन दैट पीरियड. सो चैलेंजेस हमारे पास तो बहुत बड़े थे, पर सबसे बड़ा चैलेंज था वो स्कूल की बिल्डिंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर का. जब मैंने ज्वाइन किया तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट इन वेरी गुड शेप, यू कैन से. सो स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, दैट शुड बी सम ऑर्गेनाइज. सो बच्चों को जो अट्रैक्ट भी करे, बच्चों के लिए बेसिक जो नीड्स हैं उसको पूरा भी करे. आप आगे स्लाइड्स में देखोगे, जहाँ पे थोड़ी सी क्लासरूम्स की प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा पानी पीने के लिए पानी की जगह नहीं थी, क्लासेस के अंदर बेंचेस नहीं थे, ब्लैक बोर्ड्स नहीं थे, वाइट बोर्ड्स नहीं थे, किसी प्रकार की वो सुविधाएं जो बेसिक सुविधाएं होती हैं स्कूल में नहीं थी. तो उसको पहले तो उसको डेवलप करना था, उस चीज़ को डेवलप करना था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि नेशनल हाईवे के ऊपर स्कूल है, और नेशनल हाईवे के मतलब कनेक्टिविटी स्कूल की बहुत अच्छी है, तो हमारे सराउंडिंग में काफ़ी बड़े प्राइवेट स्कूल्स थे.
सो अगर उनसे कम्पीट करना है या बच्चों को वहाँ से हमारे स्कूल में लेके आना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना इज वन ऑफ द की थिंग, ताकि हम भी जब पेरेंट्स के पास जाए एनरोलमेंट के लिए तो हम उनको बोल सके कि हमारे पास एक अच्छा स्कूल है जो आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है. सो इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई फील व्हेन आई ज्वाइन द स्कूल. सो उसको चेंज करने के लिए जैसे अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ सोच सकता है, तो हमने सिर्फ सोचा और उसको चेंज करने के लिए एक टीम की जरूरत पड़ती है. तो फर्स्टली वी बिल्ड अ टीम, स्कूल के जो सभी टीचर्स हैं उनके साथ प्लान डिस्कस किया, एंड क्योंकि कोविड का टाइम था बच्चे स्कूल्स में नहीं आ रहे थे, सिर्फ टीचर्स आ रहे थे. सो वी टुक एज अ चैलेंज कि हमने इस बिल्डिंग को जब स्कूल खुलेगा बच्चों के सामने आएगा तो उनको एक अच्छा स्कूल, एक नया स्कूल देखने को मिलना चाहिए. सो हमने टीम बिल्ड की, प्लान किया, गोल को सामने रखा कि कैसे कैसे ये चीजें बदली जा सकती हैं, एंड रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू. वी हैव चेंज एवरीथिंग इन द स्कूल, चाहे वो क्लासरूम्स हो, चाहे वो बच्चों के बैठने के बेंचेस हो, चाहे वो व्हाइट बोर्ड्स हो, चाहे वो लैब्स हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे स्कूल में अंदर पार्क्स हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर एरियाज हो, चाहे वॉशरूम्स हो, इवन स्टाफ रूम्स ऑल्सो, मिड डे मील एरिया हो, हर चीज को हमने डेवलप किया है स्कूल की. इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब स्कूल वापस से खुले हैं तो बच्चों के अंदर एक नई तरह की एनर्जी थी देखने को मिली कि ये स्कूल पहले से बेटर बन चुका है और स्कूल के अंदर अच्छी अच्छी चीजें आ चुकी हैं. तो हमें उसका जो बेनिफिट हुआ फर्स्टली जो उसी समय हो चुका था वो था एनरोलमेंट के रूप में. जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे थे, जो भारी भारी पैसा उन स्कूलों को दे रहे थे, वो डायरेक्टली केम टू अवर स्कूल्स नाउ. सर, आपने अपने स्कूल को जैसे कि एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को आपने ट्रांसफॉर्म किया इनटू अ स्मार्ट स्कूल. सो हाउ डिड यू ब्रिंग दिस लॉरल टू योर स्कूल? हाउ डिड यू ऐड दिस फेदर टू द कैप विद द स्कूल जिसमें बिल्कुल फैसिलिटीज नहीं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आपने अपने स्कूल को, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो इमेजेस हैं या जो भी आपके स्कूल का नाम है उसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्मार्ट स्कूल हो गया है वो, तो व्हाट इज दैट स्मार्ट स्कूल? यू नो वी आवर व्यूअर्स वुड लाइक टू नो दैट. जी, जब स्मार्ट स्कूल की बात करते हो तो पंजाब में काफी स्मार्ट स्कूल बने हैं. वो एक सेट पैरामीटर है, वो 20 पॉइंट का एक सेट पैरामीटर है. जो स्कूल उस पैरामीटर को पूरा करते हैं उनको ही जो एंटाइटलमेंट दिया जाता है स्मार्ट स्कूल का. जैसे उसके अंदर मिड डे मील का एरिया अच्छा होना चाहिए, क्लासरूम अच्छे होने चाहिए, वॉल्स के ऊपर प्रॉपर पेंट होना चाहिए, बच्चों के बैठने के लिए अच्छे बेंचेस होने चाहिए, क्लासरूम के अंदर लेक्चर स्टैंड्स होने चाहिए, स्कूल के अंदर सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए, पार्किंग एरिया अच्छा होना चाहिए, स्कूल का मेन गेट शुड बी बिग एंड शुड बी ब्यूटीफुल होना, वो भी एक पैरामीटर है. सो ऐसे पैरामीटर्स हमने अपने सामने रखे और उस पैरामीटर को एक वन बाय वन करके पूरा करने की कोशिश की है. जैसे आप पिक्चर्स में देखोगे लैब स्कूल की है, लाइब्रेरी है, क्लासरूम्स है, एवरी कॉर्नर इज नाउ चेंज्ड. वो स्मार्ट स्कूल के जो पैरामीटर थे उनको पूरा करने की कोशिश की है. जब वो पैरामीटर पूरे हो गए तो गवर्नमेंट हैव एंटाइटल्ड अस एज अ स्मार्ट स्कूल. ओह, दैट्स वंडरफुल. सो लुकिंग एट द पिक्चर्स इन द स्लाइड वी कैन सी द स्कूल हैज ट्रांसफॉर्म्ड सो मच. सो ऑल दीज आर पिक्चर्स ऑफ द स्मार्ट स्कूल चन्नो टू विच सर बिलोंग्स, एंड ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड द स्कूल इमेंसली. And these are the pictures of the parks and everything that he has transformed. Such beautiful, colorful classrooms. And these were the challenges that he had. The buildings were not in a very good shape, like sir said. And now the school has transformed into a smart school. So coming to the initiatives. So these are the computer labs that you had, and how have you transformed them? What all facilities did you put into them? जैसे आप जो पिक्चर अभी देख रहे हो, देख कंप्यूटर लैब की पिक्चर है. इसमें आप देखिए फर्स्ट पिक्चर है, वहाँ जो पुरानी लैब थी दैट वॉज नॉट अप टू द मार्क. जो स्मार्ट स्कूल की एक लैब होनी चाहिए, हमने उसको चेंज किया, उसके अंदर नया इंफ्रास्ट्रक्चर डाला और उसके बाद इस लैब की पिक्चर आपके सामने है. ये मेन गेट है स्कूल का, आप पहले पिक्चर में देखिए मेन गेट के अंदर दैट वॉज वेरी ऑर्डिनरी गेट, एंड अभी का जो गेट है दैट अट्रैक्ट्स द कमिंग पीपल. उनको एक बार उनका ध्यान जाता है ये बिल्डिंग की तरफ तो वैसे बेनिफिट देता है हमें उस चीज में अंदर. दिस इज द स्टाफ रूम पिक्चर. देखिए पुराना स्टाफ रूम जो था स्कूल का दैट वॉज नॉट इन अ वेरी गुड शेप. चेयर्स आप देख सकते हैं कैसी थी. अभी स्टाफ रूम अच्छा होना स्कूल के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा रोल स्कूल के अंदर जो टीचर्स का है
अगर टीचर्स आर नॉट कंफर्टेबल, अगर टीचर्स हमारे अच्छे माहौल में नहीं है तो रिजल्ट्स में थोड़ी सी हम वैसे नहीं देख पाते, उनका मोटिवेशन और मोरल डाउन हो जाता है, डाउन हो जाता है इफ दे डोंट हैव प्रॉपर प्लेसेस टू सिट एंड टू इंटरैक्ट एंड टू टीच. सेकेंडली अगर उनके पास अच्छी जगह नहीं है बैठने के लिए, अपना काम करने के लिए, फ्री पीरियड में अपने बाकी काम करने के लिए, देन वो इन्वॉल्वमेंट स्कूल में नहीं देख पाते हम जो टीचर्स की होनी चाहिए. सो उनका स्टाफ रूम शुड बी अच्छा होना बहुत जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल. दिस इज द पिक्चर ऑफ लाइब्रेरी एंड आर्ट एंड क्राफ्ट रूम. देखो आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, बच्चे में आर्ट की क्वालिटी है तो उसको पूरा करने के लिए अच्छा रूम भी होना चाहिए जहाँ के बैठ के बच्चा अपने इक्विपमेंट्स के साथ ड्राइंग पेंटिंग वगैरह कर सको. और लाइब्रेरी इज मस्ट इन एवरी स्कूल. लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ बच्चा फ्री टाइम में जाना चाहिए. अगर yes. बच्चे को एजुकेशन की तरफ हमने कनेक्ट करना है. नॉट रीडिंग मेक्स यू बिग इन लाइफ एक्चुअली. जी मैम, अगर बच्चे को एजुकेशन की तरफ कनेक्ट करना है नॉट फोर्सफुली बट बाय चॉइस, देन दिस इज द प्लेस where we should have to give them a such a kind of environment जहाँ बच्चे का जाकर मन लगना चाहिए. So library, हमारे स्कूल की लाइब्रेरी आपके सामने पिक्चर है, हमने अच्छे तरीके से मैनेज किया कर रखी है जी. वेरी गुड. दिस इज योर इनोवेशन दैट यू ब्रॉट अबाउट. दिस इज द बायोमेट्रिक टेंडर सिस्टम. एक्चुअली दिस इज नॉट एन इन दिस स्कूल. इससे पहले मैं मानसा डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स स्कूल में था, वहाँ ये सिस्टम स्टार्ट किया गया था विद इनबिल्ट एसएमएस सर्विस, ताकि बच्चों को और पेरेंट्स को एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाए, बच्चों के अंदर पंचुअलिटी की हैबिट को डाला जाए, पेरेंट्स के अंदर भी एक बच्चों के लिए अच्छा फील आए. यहाँ पे बच्चे बायोमेट्रिक पे अपनी अटेंडेंस लगाते थे, उनका मैसेज जो है उसके पेरेंट्स को विद टाइम हो जाता था. जब स्कूल से वो निकलते थे तब भी वो अटेंडेंस मार्क करते थे तो उसका मैसेज उनके पेरेंट्स को जाता था. सो दैट डेवलप्ड द हैबिट ऑफ पंक्चुअलिटी. बेसिकली द पंक्चुअलिटी हैबिट हैज बीन डेवलप्ड इन स्कूल स्टूडेंट्स बाय दिस मेथड. जी. सो दिस इज द एक्चुअली दिस इज द डिटेल्ड ऑफ द स्कूल जो हमने स्टार्ट किया है, जो टीचर्स के अंदर स्किल डेवलपमेंट करने के लिए स्टूडियो, स्कूल स्टूडियो, उसकी डिटेल्स इसमें लिख रखी है. हमने स्कूल में स्टूडियो डेवलप किया है जहाँ बच्चे अपने अपने वीडियोस वगैरह अपने आप बनाते हैं और YouTube चैनल के ऊपर डालते हैं. इसमें एक तो उनके अंदर कॉन्फिडेंट आता है बोलने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का इन फ्रंट ऑफ कैमरा. एंड सेकेंडली इट आल्सो हेल्प्स देम द टीचर्स टू मेक सम वीडियोस. जैसे और कोविड के टाइम के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वी हैव फेस दैट हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स, उसको दूर करने के लिए हमने स्कूल के अंदर एक स्टूडियो बनाया. क्योंकि जूम के जरिए सभी बच्चे नहीं कनेक्ट हो पाते थे, क्योंकि बच्चों के घर के पास एक ही मोबाइल फोन है. अभी पेरेंट्स अगर घर पे नहीं है तो मोबाइल फोन भी नहीं है तो क्लास नहीं लगेगी. सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि हम उनको वीडियोस बना के भेजेंगे. सो वीडियोस बनाने के लिए स्कूल के अंदर एक स्टूडियो बिल्डअप किया गया जहाँ पे ग्रीन स्क्रीन आप देख सकते हैं, टीचर्स अपनी वीडियोज बना रहे हैं. तो वो वीडियोज को हम बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेजते थे, बच्चे उसको वीडियो को देख के, देन वी सेंड अ क्वेश्चनियर आल्सो, उसको देख के ही सीखना शुरू करते थे. सो दिस वाज अ रियली अ न्यू इनिशिएटिव दैट हैव बीन स्टार्टेड इन गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि आपको ये काफी स्कूलों में देखने को नहीं मिलेगा. सेकेंडली जब वीडियोज बच्चे की बनती है तो बच्चा कैमरे के आगे बोलना शुरू करता है तो उसके अंदर एक नए तरह का कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है. जी सर, आपका एक वीडियो भी है, वी वुड लाइक टू प्ले इट हियर. जी मैम, सब बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव्स हैं. और ये जो स्टूडियो वाला सेटअप था ये बच्चों के लिए आई थिंक इनके फ्यूचर पोर्टफोलियो के लिए लॉट ऑफ स्किल डेवलपमेंट. बिल्कुल बिल्कुल. मैं नवनीत तुहाडा सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल जनरल के यूट्यूब चैनल से स्वागत करती हाँ. पिछले साल साढ़े सारा लिए ही चुनौतियाँ भरिया रहा है, लगभग सारे स्कूल ही बंद रहे हैं, पर चुनौतियाँ अक्सर नवे मौके ही जन्म देती हैं. इसके चलद पंजाब सरकार और स्कूल सिक्ख्या विभाग की मेहनत का सदका पंजाब के सारे सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचा बेहतर होया है. पर पंजाब के सारे सरकारी स्कूलों में एजुकेशन पार्क्स, ई कंटेंट और प्रोजैक्टर राही पढ़ाई उपलब्ध हैं. अध्यापक घर बैठे ही बच्चे बच्चों को पढ़ाने की हर कोशिश में संभव कर रहे हैं, जिमें जूम क्लासिस, ऑनलाइन असाइनमेंट्स, रिविजन सीरीज, यूट्यूब वीडियोज और बहुत कुछ. इस तरह साढ़े स्कूल ने भी एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसके टीचर्स
हर रोज पीपीटीज तैयार करके वीडियोस अपलोड करते हैं। उसका लिंक विद्यार्थियों ने व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। इस दे आई विद्यार्थियों की पढ़ाई में मदद की जाती है। गल करते हैं कोविड 19 बारे। कोरोना के चलते दुनिया भर में बहुत नुकसान पे है। बड़े बड़े बिजनेस भी ठप हो गए हैं। अकॉर्डिंगली डे बाय डे डाउन चल रही है। अपील करती है कि सरकार ने भी हदायतों की सिफारिश करिए, जिमें सोशल डिस्टेंस मेनटेन करना चाहिए है, मास्क लगा के रखना चाहिए है, बिना काम तो बाहर नहीं जाना चाहिए। असं इस चैनल उपर थोड़ी मुलाकात वक्त शख्सियत करवा देवे। इस दे तहत अब असं थोड़ी इंग्लिश बूस्टर क्लब के इंचार्ज मैडम परनीत कौर नाम भी लाने जा रहे हैं। मैम जो एक BCS कोर्स चल रहा है इस बारे में कुछ दसो। हाँ जी, मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ठीक है ओके। वैसे बहुत ही अच्छा एग्जांपल था और जो बच्ची थी वो बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी। मैम इस स्टूडियो का बेसिक कॉन्सेप्ट ही बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ही था। ये बच्चा जब ये वीडियो शूट हुई थी दैट वाज ऑन 9th क्लास का बच्चा था ये। अभी ये कंटीन्यूअसली वीडियोस बना रहा है तो सोचिए आप बच्चे का कॉन्फिडेंस कितना हाई जाएगा अगर हम उसको ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आएंगे। बिल्कुल। Coming to the next thing for Wi-Fi camp, you have a Wi-Fi campus as well. जी मैम, हमने अपने स्कूल के अंदर वाइफ क्योंकि इंटरनेट का अभी एक्सेस तो हर क्लासरूम के अंदर चाहिए क्योंकि स्कूल के अंदर सभी क्लासरूम्स है, स्मार्ट क्लासरूम में हर क्लास के अंदर प्रोजेक्टर्स हैं एंड मिनी कंप्यूटर्स हैं जिसके साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो उसको पूरा करने के लिए हमने एक स्कूल को वाईफाई कैंपस बनाया है जहाँ के स्कूल के अंदर किसी भी प्लेस के ऊपर आप खड़े होंगे तो आपको वाईफाई कनेक्टिविटी वहाँ पे मिलेगी। That's good. ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें पोडियम है, ऑडियो पोडियम बेसिकली हम इसको बोलते हैं। इसकी जरूरत ऐसे पड़ती है कि जैसे मॉर्निंग असेंबली होती है तो हमें साउंड सिस्टम चाहिए होता है। इसकी कॉस्ट हमने मार्केट में पता की तो दैट वॉज अराउंड 50,000। सो वी डिसाइडेड कि हम इसको स्कूल के अंदर ही बनाएंगे तो हमने स्कूल के अंदर ही इसको तैयार किया एंड इट कॉस्ट अराउंड 15,000। अभी 15,000 के आसपास ये तैयार हो चुका है, हमने यूज कर रहे हैं। इतना मतलब यूजर फ्रेंडली है, देन वी कैन टेक एनी वेयर इन अ स्कूल वेयर इज अ स्कूल फंक्शन, हम उसको वहीं पर शिफ्ट कर लेते हैं। मॉर्निंग असेंबली के अंदर बच्चे को लेक्चर स्टैंड के ऊपर पोडियम के ऊपर लाकर बोलने से उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो ऐसे ही हमने स्टार्ट किया था। दीज आर द क्लासरूम्स जो पहले क्लासरूम अच्छी कंडीशन में नहीं थे, अभी उसका फर्नीचर उसका लुक वो चेंज हो चुका है। क्लास के अंदर प्रोजेक्टर्स है, क्लास के अंदर इंटरनेट के कनेक्टिविटी है और टीचर के लिए लेक्चर स्टैंड है। सो दिस इज द लैंग्वेज लैब दैट हैव बीन स्टार्टेड स्पीकिंग बच्चे के अंदर क्वालिटीज बिल्डअप करने के लिए, उसकी लिसनिंग एंड स्पीकिंग क्वालिटीज को बढ़ाने के लिए स्कूल के अंदर लैंग्वेज लैब स्टार्ट की गई है जहाँ उनको कंटेंट दिया जाता है जो वो सुनते हैं। देन गिव अ क्वेश्चनियर ऑल्सो, उसको कंटेंट को सुनने के बाद उस क्वेश्चनियर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। सो इससे लैंग्वेज के अंदर बच्चों के अंदर काफी That is very helpful in skill development. Skill development, just and the language as well, you know. जी मैम। We have installed CCTV camera inside the classroom also, not only in the campus but inside the classroom also. ये बच्चों के अंदर एक discipline की भावना को पैदा करने के लिए CCTV camera हर class के अंदर भी हमने start किए हैं। ये once I got a chance to work in a third school, there was senior secondary school मनियाना in district संगरूर। वहाँ पे बच्चों को लैंग्वेज के साथ जोड़ने के लिए, लिटरेचर के साथ जोड़ने के लिए वहाँ पे शुरू किया पंजाबी लिटरेरी पार्क। ये पंजाब के बीच पहली बार शुरू किया गया से जिते बच्चों को लिटरेचर ना जोड़ने के लिए पार्क। आई थिंक अगली स्लाइड है जी, पार्क्स बनाए गए। हाँ जी, इतने पंजाब के फेमस राइटर्स उन्होंने पिक्चर्स कोट की गई है, उन्होंने राइटिंग्स उन्हें बायोग्राफी वगैरह लिखी गई ताकि बच्चे जो पार्क के आते हैं तो राइटर्स नू एक तरह नाल अपना उस दुनिया दे विच जान ते अपने आप नू कनेक्टेड फील करन, किताबां नाल कनेक्ट होन। थोड़ी डिटेल लिखी गई, ज्यादा नहीं लिखी ताकि बच्चे अपने टीचर नू जाके उस राइटर दी बारे क्वेश्चन करन। जो क्वेश्चन करनगे तो कुछ ना कुछ जानकारी इकट्ठी होगी, क्यूरियोसिटी पैदा होगी तो बुक लाइब्रेरी में जाके मंगनगे। सो बेसिक कंसेप्ट ऑफ लिटरेरी पार्क, पंजाबी लिटरेरी पार्क,
बच्चे अंदर अपने सब्जेक्ट तो बिना बाकी लिटरेचर की किताबों पढ़ना, क्योंकि लिटरेचर तो ही वो बहुत कुछ सीखते हैं. यू मेड इट मोर इंटरेस्टिंग आई वुड से. यस मैम, टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग रैदर देन दो कंटेक्चुअल हम लर्निंग स्कूल में करते हैं, उससे कुछ आगे करने के लिए एक लिटरेचर पार्क को डेवलप किया गया. एक्सेलेंट, दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. लाइब्रेरी लंगर, आई मस्ट से पंजाब दे विच हर स्कूल दे विच लाइब्रेरी लंगर साल दे विच दो या तीन बार लगता है, जिथे पंजाब दे टीचर्स जिहड़े है बच्चों दे तक किताबां नू लेके जांदे है. इफ द स्टूडेंट्स आर कमिंग टू स्कूल देन दे गैट द बुक्स फ्रॉम द स्कूल, अदरवाइज टीचर्स आर गोइंग टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स, टूवर्ड्स द पीपल. जैसे पिक्चर दे विच दिख रहे है कार दे उपर भी बुक्स रखे हुए ने एंड एक बेंच के उपर बुक्स रखे हुए हैं. सो वी गो टू द स्टूडेंट्स, वी गो टू द कॉमन पीपल टू गिव दैम बुक्स ऑफ लिटरेचर, सो ताकि घर बैठ के भी वो किताबों को पढ़ सकन, अपने आप को सीखने के नाल अटैच कर सकन. सो लंगर पंजाब के हर एक स्कूल के विच साल के विच दो या तीन बार लगाया जाता है लाइब्रेरी लंगर. ये वो बच्चे हैं जो आपके स्कूल में नहीं भी पढ़ रहे हैं, जो वो बच्चे हैं वो हमारे स्कूल में नहीं भी पढ़ रहे हैं, लंगर वो भी आपसे बुक्स ले सकते हैं. मैम बिल्कुल ले सकते हैं, नॉट इवन द स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स कैन आल्सो टेक बुक्स फ्रॉम देम. ओह दैट्स लंगर तो पंजाब की खासियत है, पंजाब इज फेमस फॉर लंगर. सो वी हैव स्टार्टेड लाइब्रेरी लंगर. ओह वेरी गुड. ये भी वही पिक्चर्स हैं जहाँ बच्चों को किताबें बांटी जा रही हैं. नाउ कमिंग टू द यू हैव लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स दैट यू हैव टेकन इन द स्कूल, टर्निंग अ स्कूल विच वाज अ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इनटू अ स्मार्ट स्कूल. यू हैव टेकन लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स एंड यू मस्ट हैव टेकन लॉट ऑफ पीपल टुगेदर, लाइक यू मस्ट हैव टेकन टीचर्स एंड यू मस्ट हैव टेकन अदर स्टाफ मेंबर्स अलॉन्ग विद यू. सो आपने टीचर्स की कैसे कैपेसिटी बिल्ड की कि एक नॉर्मल स्कूल से एक स्मार्ट स्कूल में पढ़ाने के लिए वो सक्षम हो जाए? जी आपने बिल्कुल सही कहा, टीचर इज तो की पॉइंट है, वो सेंटर पॉइंट है, वो टीचर है क्लास का. स्कूल वैसा ही होगा जैसे उसके टीचर्स होंगे. सो टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करना बहुत ज़रूरी था. हमने क्या किया मैम, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम था, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे कोरोना के टाइम की तरफ, तो हमने टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किए स्कूल के अंदर ही. जैसे अभी प्रोजेक्टर क्लासेस में लग चुके हैं तो प्रोजेक्टर्स को कैसे हैंडल करना है, इंटरनेट को कैसे असेस करना है, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर कैसे काम करना है, पावर पॉइंट पीपीटी कैसे बनानी है, ये सभी चीज़ें स्कूल के अंदर ही उनको सिखाई गई. टीम की तरह उनको लिया गया, उस टीम में हमने एक दूसरे से सीखा. जब तक आप उनको एक विश्वास नहीं देते कि मैं आपके साथ हूँ, हम सीखेंगे एक दूसरे से, उतनी देर तक वो टीचर्स में अंदर वो कैपेसिटी पैदा नहीं होगी. अगर स्कूलों को अच्छे डेवलप करना है तो हमें टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, समय समय पर टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा. यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, टीचर मस्ट गेट प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज. एंड हेयर आई वुड से कि द ट्रेनिंग इज नॉट ओनली द ऑप्शन ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, लाइक गोइंग टू द कम्युनिटी, इंटरैक्टिंग विद देम एंड ब्रिंगिंग देम टू द स्कूल एंड leading self-learning material as well, self-instructional modules and doing some online and virtual sessions online is also part of teacher professional development. जी जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस की आपने बात की, तो बच्चों को अगर वीडियोस बनाकर भेजनी है तो हमें टीचर्स को स्टूडियो में कैसे वीडियो बनती है, कैसे वो OBS प्लेटफॉर्म है जो प्रोफेशनल वीडियोस. You imparted skills to the teachers as well, I would say. जी जी मैम. It was not a training, it was capacity building, I would say. अभी जैसे आप देख रहे हो अभी इसमें टीचर्स पीपीटी बनाना सीख रहे हैं, उसी पीपीटी को वो स्टूडियो में जाकर प्रेजेंट करके अपने बच्चों के लिए वीडियोस बनाते हैं. सो टीचर्स को एज अ टीम लेकर हमने काम करना शुरू किया. यहाँ पे एक वर्कशॉप लग रही है, दैट इज जो राइटिंग स्किल्स है उसको सुधारने के लिए ये वर्कशॉप स्कूल के अंदर लगी थी, उसकी पिक्चर्स है जी. ये उनकी मेंटल हेल्थ को मच्योर रखने के लिए, मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमने स्कूल के अंदर योगा का एक सेमिनार कह सकते हैं आप, योगा के क्लास कह सकते हैं, वो हमने कंडक्ट की थी. स्कूल के हमारे टीचर्स हैं जो योगा क्लास को कंडक्ट कर रहे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन द स्ट्रेसफुल टाइम दैट वी ऑल वेंट थ्रू ड्यूरिंग द कोविड पीरियड एंड अदरवाइज एज वेल. जी मैम बिल्कुल. अच्छा जब हम स्कूल के अंदर अपने टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डअप करते हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको पॉजिटिवली देखने को मिलते हैं. जैसे अभी रिसेंटली पंजाब के अंदर टीचर फेस्ट चल रहा है,
तो उस टीचर फेस्ट के अंदर टीचर्स अपने डिफरेंट इनोवेशंस, डिफरेंट स्किल्स को प्रेजेंट करते हैं. जैसे हमारे लाइक अ कंपटीशन, कंपटीशन अमंग द टीचर्स, एंड योर टीचर्स हैव वन दीस प्राइजेस. दीस फोर टीचर्स ऑफ अवर स्कूल हैव वन ब्लॉक लेवल कंपटीशंस. टू ऑफ देम गॉट अ फर्स्ट पोजीशन, टू ऑफ देम गॉट सेकंड पोजीशन. सो इसके आगे वो डिस्ट्रिक्ट और उसके आगे वो स्टेट के लिए कम्पीट करेंगे. सो दैट्स वंडरफुल. दीज टीचर्स आर फ्रॉम योर स्कूल एंड दे आर अवॉर्डेड फ्रॉम द ब्लॉक एंड द ब्लॉक लेवल आई वुड से. सो दैट्स वेरी गुड. कमिंग टू योर नेक्स्ट इनिशिएटिव सर, हाउ डिड यू इन्वॉल्व द कम्युनिटी, द पीपल लिविंग अराउंड यू, एंड एक्चुअली हाउ डिड यू ब्रिंग देम टू द स्कूल? वॉट वॉज योर मेथड ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट आई वुड से? Because community is also a very important stakeholder when we talk of school education. Because without community, the school cannot be imagined. You know, the beneficiary is from the community only. So how did you involve the community members? अगर स्कूलों की कम्युनिटी की बात करें तो वहाँ पे तीन तरह के स्टेकहोल्डर्स हैं. एक तो वहाँ के बच्चों के पेरेंट्स हैं जो डायरेक्ट स्टेकहोल्डर्स हैं. सेकेंड हमारी SMC है जी, जो वैसे तो इनडायरेक्टली पेरेंट्स की तरफ से ही बनती है बट उसमें अदर मेंबर भी ऐड अप होते हैं. तीसरा होता है वहाँ की लोकल बॉडीज. अगर वो गांव का स्कूल है तो वो पंचायत हो सकती है, अगर सिटी का स्कूल है तो वहाँ की कार्यशाला जो है वो हो सकती है. सो तीनों स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलना, उनका विश्वास जीतना बहुत जरूरी है. उनके बिना ये गवर्नमेंट स्कूल डेवलप नहीं कर पाएंगे. हमने एज अ टीम उनको जब ये स्कूल ट्रांसफॉर्म हो रहा था, हमने एज अ टीम उनका विश्वास दिलाया. उस विश्वास के जरिए ही हमने उनको अपने साथ जोड़ा. जैसे आप स्कूल की बात करोगे तो स्कूल के अंदर गांव की पंचायत की तरफ से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट स्कूल के अंदर एक साल के में की गई है. सो उसके लिए हमें पहले उनको काम करके दिखाना पड़ता है, हमें वो ऑरा दिलाना पड़ता है कि हम कुछ बेहतर करेंगे, कर रहे हैं. हमें वो ऑरा क्रिएट करना पड़ता है बीइंग अ लीडर, बीइंग अ टीम, के लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें. वो आपके ऊपर कहने से नहीं करेंगे, आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा. जैसे ये देख रहे हो आप इस पिक्चर्स में, हमने एडमिशन के लिए, एनरोलमेंट के लिए कैंपेन चलाया. हम रात को बच्चों के घरों के घरों में जा रहे थे. पंजाब में एक फेस्टिवल है जिसको फेस्टिवल तो नहीं बोलेंगे, रिचुअल है. जैसे ये शादी से पहले वहां पे जागो निकाली जाती है, सभी जो रिश्तेदार है वो इकट्ठे होते हैं और जागो सेलिब्रेट करते हैं. वैसे हमने एडमिशन का एडमिशन जागो, जिसको दाखला जागो बोलते हैं, वो स्टार्ट किया. रात को हम टीचर्स और बच्चों को साथ लेकर, रात को जाने का रीजन ये था कि दिन में वर्किंग क्लास बच्चे पेरेंट्स हैं, कोई कहीं पे काम कर रहा है, तो दिन में हमें ये पेरेंट्स घर पे नहीं मिलते थे. हम उनको कन्विंस नहीं कर पाते थे कि अब आप बच्चे हमारे स्कूल में भेजो जो कि अभी स्मार्ट स्कूल है. तो करना क्या पड़ा कि हमको उनके पास रात को जाना पड़ा, शाम को स्कूल ले जाना पड़ा. जी, स्कूल लेके जाना पड़ा. स्कूल भी ऐसे लेकर गए कि हमने स्कूल की पूरी पिक्चर्स वीडियोग्राफी एक LCD के अंदर डाल के, LCD को एक यू नो टेम्पो के पीछे लगा के वो पूरे गांव के अंदर घुमाए, और गांव के किसी चौराहे पे रुक के माइक्स वगैरह और स्पीकर्स वगैरह लेके गए और वहां पे खड़ के उनको बोला कि अभी आपके गांव का स्कूल अच्छा स्कूल बन चुका है, आप अपने बच्चों को यहां पे भेज सकते हो. अब अगर ऐसे टीचर्स और प्रिंसिपल आप गांव में जाते हो, रात को बोलते हो, तो गांव के लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है. बिल्कुल. और वो अपने बच्चों को आपके पास भेजते हैं कि वे बंदे तो रात को भी हमारे पास आ रहे हैं. सो ऐसे जो जागो है, दाखला जागो, that have been started in government schools. इससे आपके स्कूल का एनरोलमेंट डेफिनेटली बड़ा होगा. जी मैम, लास्ट टू इयर्स में जैसे 2 साल मुझे मिले हैं काम करने के लिए, 2 से 2.5 साल, उसमें स्कूल का एनरोलमेंट हर साल 10 से 20% वो बढ़ रहा है. ये पिक्चर जो पीछे थी वो हमने पेरेंट्स को जो प्राइवेट स्कूल के अंदर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको स्कूल विजिट करवाया, उनको बुलाया स्कूल के अंदर. इससे पीछे की पिक्चर है वो, उनको स्कूल दिखाया. एक्चुअली हम घर जाकर जो मर्जी उनको कह दें कि हमारे स्कूल ऐसे अच्छे बन चुके हैं, जितनी देर वो आप आकर अपने स्कूल को नहीं देखेंगे उतनी देर वो समझ नहीं पाएंगे. हमने उनको स्कूल का पूरा राउंड लगवाते हैं, पूरा क्लासेस दिखाते हैं, कैसे हमारा काम चलता है वो काम दिखाते हैं. तो उससे उनके मन के ऊपर एक छाप पड़ती है जिससे बच्चों के एनरोलमेंट में काफी फर्क पड़ता है. सर अब थोड़ा बच्चों के बारे में भी बात कर लेते हैं कि इतने सारे इनिशिएटिव्स के बाद स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ा,
उनकी कॉम्पिटेंसीज कैसे डेवलप हुई, जैसे कि आपने बीच में बताया भी कि लॉट ऑफ स्किल्स गॉट डेवलप्ड इन देम, सो बच्चों के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैम जैसे स्कूल का इन्वायरमेंट चेंज होता है तो वहाँ पे चाहे वो बच्चे हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, जहाँ कोई वर्किंग क्लास है, उन सभी के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे कोरोना के बाद ये बच्चे वापस आ रहे हैं, देखा कि हमारा स्कूल एक अच्छा स्कूल बन चुका है, जहाँ पर बैठने के लिए अच्छी सुविधाएं हैं, जहाँ पढ़ने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट अच्छा, तो उसके उससे हमारे बच्चों में भी एक नई एनर्जी देखने को मिली है। वो स्कूल की पोजीशंस जो है डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ का हो, एनी सब्जेक्ट, वो हमें देखने को मिली है। जैसे ये बच्चे हमारे जो इंग्लिश बूस्टर क्लब्स है स्कूल के अंदर बने हुए पंजाब में, जहाँ पे इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करवाई जाती है, उसमें ये 40 बच्चे हमारे ब्लॉक में फर्स्ट आए हैं और 8 बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट में पोजिशन होल्डर्स हैं और 1 बच्चा हमारा स्टेट में भी पोजीशन होल्डर है। सो बच्चों के ऊपर, टीचर्स के ऊपर और पेरेंट्स के ऊपर एक स्कूल के बदलने का बहुत प्रभाव पड़ता है। सो आई मस्ट से दैट यू हैव लुक्ड इनटू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड व्हिच नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आल्सो टॉक्स अबाउट दैट द एम ऑफ द एजुकेशन स्कूल एजुकेशन इज बेसिकली टू प्रोवाइड द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। सो कमिंग टू द सभी बच्चे, ये जरूरी नहीं कि सभी बच्चों के मार्क्स अच्छे आए, बच्चों के अंदर बहुत स्किल्स होते हैं, अगर आप उनको एक मौका दोगे तो वो बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं। ये पिक्चर प्रोफेशनल पिक्चर्स लग रही है, ये हमारे 10th और प्लस 1 के बच्चों ने क्लिक की है और उन्होंने हमको भेजी है जी, आप देख सकते हो पिक्चर्स को, वेरी फाइन क्वालिटी, वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड वेरी आर्टिस्टिक वर्क दे हैव डन। यस यस, सो कमिंग टू द लीडरशिप एट्रीब्यूट्स सर, सो एज अ स्कूल हेड आपको क्या लगता है कि एक स्कूल लीडर में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए टू ट्रांसफॉर्म अ स्कूल इनटू अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक यू हैव डन। यू गॉट अ स्कूल which had no facilities and you turned it into a smart school and where students are learning and achieving so many laurels from the state level and the teachers are also gaining recognition from the block level and other levels. So, leader में ऐसा क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या attributes, क्या qualities होनी चाहिए जो कि schools को transform करने में हमें help, उनको help करें, क्योंकि ये हमारा जो session है ये बहुत सारे school leaders टीचर्स वॉच करते हैं। आई एम श्योर आपके प्रैक्टिसेस को देखकर, आपके इनिशिएटिव्स को देखकर उनको भी बहुत कुछ आइडिया लगेगा कि कैसे स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं बच्चों की कॉम्पिटेंसीज बढ़ाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली द बेनिफिशियरी इज द चाइल्ड। वी वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द चाइल्ड ओनली, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड ओनली। सो स्कूल हेड के पास क्या क्या ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, वो आप हमारे व्यूअर्स को आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आई वुड लाइक टू आंसर इन पंजाबी। श्योर, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। सो स्कूल लीडर्स की जे गल करते हैं तो लीडर स्कूल दा मींस जो हेड है, जो प्रिंसिपल है, दैट इज द मेन सेंट्रल पॉइंट, उसके इर्द गिर्द ही सारा स्कूल जोड़ा है घूमता है। लीडरशिप मस्ट बी वेरी स्ट्रोंग, उसके करैक्टर दे विच, उसके बिहेवियर दे विच, इस तरीके दे कंपीटेंसीज या इस तरीके के स्किल्स या इस तरीके का होना चाहिए कि वह ऑरा एडा वड्डा होना चाहिए कि दैट मस्ट विन, जो ट्रस्ट है सारे का विन कर सके। सो फर्स्टली आई थिंक ही मस्ट बी अ पैशनेट, पूरा पैशनेट होना चाहिए। सैकेंडली डिसीजन मेकिंग पावर उस बंदे को होनी चाहिए है जो लीडर है स्कूल का, ताकि अपनी टीम को लीड कर सके। थर्ड थिंग इज टीम मैन होना बहुत जरूरी है जी, जे टीम मैन हो तो ही तुसी अपने अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हो। इकला बंदा जिवें पहला के इकला बंदा कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल सही, तुसी इकले सोच सकते हो पर वो सोच नूं अगे लैके जाण तुहानूं टीम दी लोड़ पैंदी है। टीम मैन भी इदां दा टीम मैन होना चाहिए जो जो प्रॉब्लम आए तो सब तो पहला अगे खड़ा होए। मैं बीइंग अ लीडर यू शुड हैव टू टेक सम रिस्पोंसिबिलिटी ऑलसो, इफ द रिजल्ट इज नॉट एज यू वॉन्ट दैन तुहानूं उसकी रिस्पोंसिबिलिटी भी आप लैनी चाहिए है। तो लीडर दे विच ओह क्वालिटी होनी चाहिए है। आई मस्ट से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए क्योंकि लीडरशिप, स्कूल लीडरशिप की गल करते हैं तो बहुत ज़्यादा फाइनैशियल इनवॉल्वमेंट्स भी होंदिया ने, तो उस चीज़ में भी पूरा करने के लिए लीडरशिप के ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है।
डिसीजन आई अगेंस्ट से डिसीजन लेना इफ तुसी जे देखो ये स्कूल ट्रांसफर हुआ है इट वॉज ओनली हैपन जस्ट बिकॉज वी टुक अ डिसीजन वी डिसाइडेड दैट वी वॉन्ट टू चेंज इट Yes. So, सब तो वड्डी यू टुक ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिस्क ऑब्वियसली मैम सो ग्रिटी होना भी बहुत जरूरी है जिद्दी होना भी बहुत जरूरी है करेज करेज फुल होना भी बहुत जरूरी है उसके अंदर हौसला भी होगा उस चीज को करने का चैलेंजेस आर एवरीवेयर हर जगह चैलेंज आते हैं बट उन्होंने चैलेंज अगे खड़न की शक्ति भी जी एक लीडर होनी चाहिए है दीज आर द थिंग्स आई थिंक आई कैन से अ लीडर मस्ट हैव role modeling is very important you have been an excellent role model I'm sure and being such a young leader and you must have teachers maybe elder than you so they must have also came along with you in this journey and they must have supported you looking at your aura and the role modeling that you have done for your school teachers I think in my school there are two or three teachers they are younger than me otherwise all of them are elders and we work as a team उनके एक्सपीरियंस को साथ लेकर ही हमने वो टीम बनाई है उनसे ही सीखते हैं उनके ही साथ लेकर चलते हैं सो यंग एज होने का आपको जैसे आपने बोला तो एक बेनिफिट भी होता है दैट यू हैव सम एक्स्ट्रा एनर्जी दैट यू कैन पुट इन दैट वर्क सो हमने वही कोशिश की है जी सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना कुछ बताने के लिए और हमारी पूरी टीम की इस तरफ से तुहानू लख लख वधाइयां तुसीं एक सक्सेसफुल लीडर हो एक सक्सेसफुल प्रिंसिपल हो तुसीं इतना सारा काम किया है अपने स्कूल लई और जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट होने वाला है इसमें तो कोई शक है नहीं सो थैंक यू सो मच सर इतनी सारी इंस्पिरेशनल बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए तो ये जो एक जागो वाला आइडिया सी मुझे लगता है वो सिर्फ एक पंजाबी को ही आ सकता है बिल्कुल मैम थैंक यू सो मच मैम फॉर यू टू फॉर ब्रिंगिंग सर हियर एंड फॉर मेकिंग दिस एंटायर प्रोग्राम सो सक्सेसफुल थैंक यू सो मच थैंक्स टू द नेशनल सेंटर फॉर school leadership for Absolutely. creating a forum with NCERT so that we can bring such leaders yes. to the public domain and where other school leaders can also emulate the practices that we bring here actually absolutely undoubtedly they can always take ideas from what sir said and you can also implement these ideas in your own schools and let's just make our schools more beautiful more bright and you are because the students are there so thank you so much once again for both our experts for being with us and thank you to all our viewers for watching this program I'm really 100% sure that you've liked this program if in case you've missed it then you can watch it again so we're wrapping up this particular program but we'll come back again with another topic another expert next Friday but before that tomorrow I beg your pardon tomorrow that is Saturday we'll come back here with a special program of NEPA and a topic will be discussed that would be from 4 o'clock from 4 o'clock to 5 o'clock that will be a 1 hour program and a special program please do not miss it watch it on PM eVidya channels thank you once again namaskar